नेचर नहीं बचेगा तो कोई इंसान नहीं बचेगा। तो बहुत अच्छा है और कश्मीरी लोग भी बहुत अच्छा है, हम तो अनपढ़ है। हमारा नाम है परिमल कांजी, वेस्ट बंगाल कोलकाता। हमारा थर्ड राउंड है, ये घूमना इसलिए जरूरी है जो चारों तरफ में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फिर प्लांटेशन का जो काम चल रहा है उसके लिए थोड़ा मैसेज लिखा है, वही चल रहा है। और पूरा घूमना है, पूरा हर आदमी से मिलना है, बात करना है। जैसे आपसे अभी मिला तो अच्छा लगता है। कश्मीर तो बहुत अच्छा है और कश्मीरी लोग भी बहुत अच्छा है। दादा, कितने दिनों से आप कोलकाता से यहाँ तक पहुँचे हैं? अभी जो साइकिल आप चला रहे हैं और इतना बड़ा साइकिल लेकर जा रहे हैं। हाँ, तो हम कोलकाता से साइकिल से आया था, फिर श्रीनगर से इसको श्रीनगर से बनाया, बना के लेके अभी कोलकाता जाएगा। हमारा एक साल चल रहा है। क्या प्रोग्राम है आगे? आज तो ज्यादा नहीं जाएगा, 1-1.5 किलोमीटर में जो भी अच्छा जगह मिलेगा उधर ही रुक जाएगा, इसी में ही हम सोता है। फिर कल सुबह स्टार्ट करेगा कंगन या गुंड जो भी होगा। अच्छा। लद्दाख से फिर हिमाचल से उत्तराखंड होके फिर उधर से। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम तो अनपढ़ है, हम क्या संदेश देगा। नहीं, ये जो प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात। हाँ, एक्चुअल हमको तो ये सब के बारे में मालूम नहीं है। कुछ अच्छे आदमी लोग ने ये सब बोला, ये सब लेके जाओ, आदमी लोग को अच्छा लगेगा, सब सोचेगा, तो इसीलिए। नाजरीन, अभी हम वेस्ट बंगाल कोलकाता के परिमल कांजी से मुलाकात हुए, जो साइकिल पे आए हैं और कोलकाता से आए हैं और पूरा इंडिया घूमने जा रहा है और अभी ये लद्दाख जा रहे हैं। ये लोगों को ये संदेश दे रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से प्लांटेशन लगानी चाहिए, ये जो बर्फीली पहाड़ है इनको ख़त्म होने नहीं देना चाहिए। हाँ, एकदम। तो इनका यही असल में प्रोग्राम है। मतलब नेचर को बचाना है, नेचर नहीं बचेगा तो कोई इंसान नहीं बचेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक्शन मिल के साथ बात करने के लिए। थैंक यू।